उत्तराखंड परिवहन निगम इन दिनों विवादों का गढ़ बना हुआ है, जहां एक के बाद एक लगातार विभाग में चार एमडी बदले जा चुके हैं। तो वही बिना विभागीय मंत्री को बताए परिवहन निगम फैसले लेने पर लगा है। जब विभागीय मंत्री को इस चीज की जानकारी मिली तो उन्होंने निगम के द्वारा लिए गए तमाम फैसलों को स्थगित कर दिया और रोक लगा दी। इस पूरे मामले पर अब सचिव परिवहन अरविंद ह्यांकी परिवहन निगम की गलती कोचिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। वही इस पूरे मामले पर परिवहन मंत्री चंदन राम दास ने नाराजगी जताई है। और जो जानकारी प्राप्त हुई थी कि ये काफ़ी पहले समय से चल रहा था कि डिपोज को हम वायबिलिटी के एंगल से अलग अलग बनाए रखें या उनको आपस में मर्ज करके उनको आप वायबल बना करके और परिवहन की जो आर्थिक स्थिति है उसका भी एक बेटर मैनेजमेंट कैसे कर सकें, उस एंगल से ये डिसीजन पहले से हो रखा था। उसको इस बीच में विभाग ने जारी कर दिया होगा, जो माननीय मंत्री जी के संज्ञान में नहीं ला पाए वो त्रुटि हो गई और फिर माननीय मंत्री जी के संज्ञान में आया तो उन्होंने फिलहाल उनको स्थगित करने का निर्देश दे दिए, जो स्थगित कर दिया गया। और मुख्यमंत्री के सामने कांग्रेस का कोई प्रत्याशी टिक नहीं पाएगा, ये लोगों को जानकारी है। इसलिए हो सकता है कि कांग्रेस को किसी न किसी को बलि का बकरा जरूर बनाएगी, मगर ये उनका निजी मामला है। हमने अपनी पार्टी की ओर से अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को ऐतिहासिक जीत दिलाने का प्रयास करना है, ये हमारा अपना काम है।